मैंने कल आपको संसद के बारे में बताया था, भारतीय संसद के बारे में, और संसद के बारे में मैंने बताया था कि संसद जो है तीन चीजों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्र। तो इन तीनों से मिलकर संसद, भारतीय संसद बनी है। और इसमें मैंने आपको कल लोकसभा पढ़ाया था, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्यसभा। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा मैं लोकसभा के बारे में बताऊँ, लोकसभा के जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के बीच से चुनकर उसके सदस्य जाते हैं और फिर वो क्या है, अपने में से बहुमत के दल के नेता को क्या है चुनते हैं, और बहुमत दल के नेता चुनकर क्या है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जिसको बहुमत प्राप्त हो, अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो अन्य दलों का भी क्या है सहयोग ले सकता है और उसके बाद क्या है सरकार बना सकता है। लेकिन इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा है, राज्यसभा का सबसे पहले तो राज्यसभा क्या है, संसद का उच्च सदन है, उच्च सदन इसको ये माना जाता है, इसमें ये माना जाता है कि जो उच्च सदन है इसमें जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राज्यों के अच्छे उसमें आते हैं उनका चुनाव करके उनको संसद में भेजा जाता है, इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया है। और दूसरा क्या है कि इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जो विधानसभा के सदस्य होती हैं वो क्या है इसका चुनाव करते हैं राज्यसभा, जो राज्यसभा का प्रत्याशी होता है उसका चुनाव जो है उसको चुनाव के लिए विधानसभा के सदस्यों का बहुमत लेना पड़ता है और इस प्रकार राज्य विधानसभा के सदस्य ही चुनकर क्या है राज्यसभा के सदस्य को भेजते हैं। जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, कार्यकाल इसका 6 वर्ष का है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक वो है कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई जो सदस्य है वो निवृत्त होते रहते हैं, यानी वो वहां से बाहर होते जाते हैं और उसके बदले क्या है एक तिहाई नए सदस्य चुनाव चुनकर फिर से क्या है राज्यसभा में आते हैं, यानी कुल उनका कार्यकाल 6 साल का है, लेकिन उसके बीच बीच में ये क्या है 2 वर्ष में क्या है एक तिहाई सदस्य क्या है वहां से हटते जाते हैं और दूसरे जगह पे तो नए सदस्य या फिर से उनको चुनाव हो सकता है। इस प्रकार क्या है ये राज्यसभा जो है बनती है। इसमें क्या है सबसे चीज है कि सदस्य संख्या जो है 250 है अधिकतम और वर्तमान में 245 है। इसमें क्या है ये राज्यों से चुनकर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे 250 कहा और वर्तमान में 245 है तो इसका मतलब 5 सदस्य जो है हम पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी उन सीटों को आरक्षित छोड़ दें, क्योंकि अभी भी जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है और इसलिए वहां के लिए जो सदस्य संख्या उसके आधार पर वो छोड़े जाते हैं, इसलिए क्या है 250 अधिकतम रखी गई। इसके साथ साथ क्या है उसके लिए जो राज्यसभा का सदस्य बनना है जिसको उसके लिए योग्यता क्या है, योग्यता ये तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना ये तो लोकसभा के लिए भी, विधानसभाओं के लिए भी, पंचायत के लिए, सारी जगह के लिए क्या है जब हम चुनाव लड़ते हैं चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो उसके लिए क्या है भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा क्या है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जैसा कि हमने लोकसभा में कहा था, लोकसभा में हमने कहा था कि जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए अधिक न्यूनतम आयु क्या है 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से है कि राज्यसभा में क्या है ज्यादातर लोग जो है अनुभवी लोग जाते हैं, विद्वान जन जाते हैं और इस प्रकार क्या है उनका चुनाव होता है। तीसरा क्या है उसको दिवालिया अपराधी किसी प्रकार का इस तरह का नहीं होना चाहिए, जो उसपे अपराध चल रहे हो दिवालिया हो साधु हो इस तरह का जो है वो उसको क्या है उसको राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें एक चीज है कि राज्यसभा में 12 सदस्य क्या है राष्ट्रपति क्या है नियुक्त कर सकता है 12 सदस्यों को, और 12 सदस्य को क्या होने चाहिए वो अपने क्षेत्रों के विषय होने चाहिए, जैसे कि कोई खेल के क्षेत्र में हो या कोई संगीत के क्षेत्र में हो, कोई फिल्मों के क्षेत्र में हो, कोई समाज के क्षेत्र में हो, कोई पर्यावरण हो, इस तरह के क्या है 12 सदस्य क्या है राष्ट्रपति अपनी तरफ से उनका उनको क्या है नियुक्त करता है, उनका चुनाव नहीं किया जाता बल्कि क्या होता है वो नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। इसके साथ ही क्या है जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो सभापति है उसका चुनाव नहीं होता है बल्कि जो उपराष्ट्रपति है वो स्वयं ही जो पदेन है वो जो राष्ट्रपति जो भी होगा वो उस पद पे रहते हुए राज्यसभा का उपसभापति माना जाता है और उपसभापति होता है। दूसरा क्या है अगर जो सभापति है उसकी अनुपस्थिति में भी
जरूरत पड़ती है तो उपसभापति का चुनाव होता है, और उपसभापति का चुनाव जो करते हैं वो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से जो अनुभवी व्यक्ति है, जो सीनियर व्यक्ति है, उसका चुनाव करते हैं और उसको उपसभापति बनाते हैं। और यह इनका कार्य क्या होता है, उपसभापति और सभापति का इनका कार्य होता है सदन को सुचारू रूप से चलाना, अनुशासनात्मक तरीके से चलाना, जिससे कि क्या है वो सही तरीके से चल सके और उसके बाद कोई कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं आए, कोई बाधा ना आए, कोई क्या भेदभाव की स्थिति ना पैदा हो, इस प्रकार का वो कहा जाता है। इनमें सबसे बड़ी चीज है, जब कोई भी सभापति बनता है तो उसको क्या है, जो जिस दल का भी हो उसको अपनी दलीय जो मर्यादा है उनको छोड़कर एक निर्दलीय यानी किसी भी दल का समर्थन न करते हुए जो अच्छा है उसी का समर्थन करते हुए उस पद पे कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार का है सभापति को भी करना पड़ता है। सभापति को भी ये नहीं है कि वो किसी दल विशेष की पक्षकारी करे, बल्कि पक्ष भेदभाव तरीके से वो उस चीज को चलाए। इसलिए क्या है इन दोनों, और जब हम सदन को बोलते हैं तो इन दोनों सदनों का जो है एक संयुक्त जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति अपनी बात को उसमें रखता है और उन दोनों का अधिवेशन करने के बाद क्या है संसद की कार्रवाई आगे के लिए चलती है। इस प्रकार क्या है इन दोनों का लगभग अगर हम देखते हैं तो इसमें प्रत्यक्ष चुनाव है, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव है और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी ये जनता के बीच से चुनकर आते हैं और ये विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुनकर आते, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। इससे स्पष्ट है कि विधानसभा के सदस्य कौन है, जो कि क्या प्रत्यक्ष चुनाव जीत कर आते हैं और वो ही क्या है राज्यसभा के सदस्य बनाते हैं। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।